अनुवांशिक रोगों की। आज हम बात करेंगे जिन में असामान्यता के कारण होने वाले अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो गुणसूत्रों में होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते रहते हैं अनुवांशिक रूप से। फिनाइलकेटोन्यूरिया एक उपापचय संबंधी अनुवांशिक रोग है। यह रोग 12वें कायिक गुणसूत्र में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। 12वें कायिक गुणसूत्र में एक विशेष जीन पाया जाता है जो फिनाइल एलेलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करता है। यह जीन जब उत्परिवर्तित हो जाता है तो फिनाइल एलेलिन हाइड्रोक्सिल एंजाइम नहीं बन पाता। अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण हेटरोजाइगस अवस्था में केवल वाहक होता है। समानता फिनाइल एलेलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलेलिन को टायरोसिन में परिवर्तित करता है। एंजाइम के अभाव में फिनाइल एलेलिन या टायरोसिन में परिवर्तन रुक जाता है और शरीर में फिनाइल एलेलिन की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में फिनाइल एलेलिन की मात्रा बढ़ जाने से स्वस्थ पैदा हुआ बच्चा भी मानसिक रूप से विकृत उत्पन्न हो जाता है। वह उसका दिमागी विकास जो है वो प्रभावित होने लगता है। फिनाइलकेटोन्यूरिया में शरीर में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो निम्न हैं। इसमें मानसिक विकलांगता आ जाती है क्योंकि इसका विषैला प्रभाव होता है फिनाइलकेटोन्यूरिया का। बच्चा जो है वो चलने फिरने में असमर्थ होता है, अर्थात उसमें विकलांगता उत्पन्न हो जाता है। शरीर में बाल व पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है, साथ ही साथ त्वचा पर एक्जिमा के समान चकते दिखाई देने लगते हैं। मूत्र और पसीने में फिनाइल एलेलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार ये अनुवांशिक रोग होता है। अगला अनुवांशिक रोग है एल्केप्टोन्यूरा या ब्लैक यूरिन रोग। ब्लैक यूरिन रोग जो है उसका सर्वप्रथम वर्णन गेरार्ड ने 1908 में किया था। यह भी जिनके उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसमें जिनमें उत्परिवर्तन होने के कारण एक ऑक्सीडेज एंजाइम जो होमोजेनिक एसिड का ऑक्सीकरण करता है उसकी कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न ऊतकों में होमोजेनेस्टिक एसिड का जमाव हो जाता है और यह मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है। रोगी का मूत्र कुछ देर बाद हवा में रहने पर ऑक्सीकृत होकर काला होने लगता है। इस कारण से ही इसे ब्लैक यूरिन रोग कहा जाता है। अगला रोग है, एक महत्वपूर्ण आपका सुना हुआ रोग है, सिकल सेल एनीमिया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सिकलिंग भी कहा जाता है। इस रोग का भी कारण एक अप्रभावी म्यूटेशन है। इस रोग में जो हमारी लाल रक्त कणिका RBCS होती है उसका आकार गोल के स्थान पर हसियाकार हो जाता है, जिससे वह रक्त का परिवहन अच्छे से नहीं कर पाता। हेटरोजाइगस दशा में व्यक्ति वाहक होता है और एनीमिया के लक्षण दिखाई देता है, जबकि होमोजाइगस दशा में व्यक्ति की परिपक्वता से पहले ही वयस्कता की उम्र को प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। आप इसे इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि लाल रक्त कणिका का सामान्यतः प्रथम चित्र में दिख रहा है वैसा गोलाकार होता है और वह हीमोग्लोबिन के माध्यम से फिर ऑक्सीजन का बहुत अच्छे से परिवहन कर पाता है, जबकि दूसरे चित्र में आप देखिए लाल रक्त कणिका जो है गोलाकार ना होकर हसियाकार हो गया है। वह गोलाकार नहीं रह पाता, इसको हसियाकार रक्ताल्पता कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जो जिनमें उत्परिवर्तन होता है वह आप देख सकते हो कि जो सामान्य स्थिति में हमारे गुणसूत्र में ग्लूटामिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करने वाला कोड CTC कोडान होता है। ये CTC कोडान से CAG मैसेंजर RNA जो है वो फॉर्म होता है, जबकि सिकल सेल की उपस्थिति में सिकल सेल एनीमिया होने पर केवल एक स्थान पर CAC के जगह पे CAC के जगह पे ध्यान से सुनिए क्या हो गया है, ए के जगह में हो गया है, उसका डुप्लीकेट बनना था टी हो गया है। आप देखिए ए के जगह में क्या हो गया, टी हो गया।
अब यहां देखिए स्वस्थ स्थिति में सी जी ए जी था, रोग की स्थिति में क्या हो गया है जी टी जी। होना क्या था मूल रूप से सी टी सी, सी टी सी के जगह में अब यहां क्या हो गया सी ए सी। अब देखिए जब जी टी जी होता है तो उसका मैसेंजर आरएनए बनता है जी यू जी और वह कोट करता है वेलिन को, कोट करना था किसको ग्लूटामिन को। तो अब इस स्थिति में ये जो लाल रक्त कणिका है वह गोल नहीं रह पाता है और रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ये तीनों जीनों के उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अनुवांशिक रोग हैं।